Assalamu alaikum. So here we are to discuss the chapter number 2 of biology 9th. So let's start it. Chapter number 2 is solving our biological problem. So what is a biological method? The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adapts in order to solve a biological problem. ठीक है? ये एक scientific method क्या होता है जिसमें हम जितने भी biological problems होती हैं उनको solve करते हैं. जिस method को हम follow करते हैं उस method को हम एक problem को solve करने के लिए उसको हम biological method कहते हैं, ठीक है? इसके बहुत से steps होते हैं, जिनको एक order में perform किया जाता है ताकि हमारे पास उस problem का solution निकल सके. Have played an important role in scientific research for almost 500 years, from Galeno's experiment in 1590s to current research, the biological methods has contributed to the advancement in medicine, ecology, technology, etc. Biological methods also ensure the quality of data for public use. ठीक है कि इसकी एक बहुत बड़ा हमारे important part है scientific research में जितने भी biological problems solve किए जाते हैं वो इसी method को देख के और इसी method के according जो है जितने इसमें steps हैं और सब कुछ इसी को follow करके तो हमारे पास different results आते हैं जिनको हम बाद में accept करते हैं. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. ठीक है, अब biological problems, hypothesis, deductions और experimentations, मतलब ये सब कुछ होता क्या है? तो biology में जो है वो new things discover होती है, ठीक है? और new theories बनती है. और न्यू डाटा आता है हमारे पास. दिस हैपेंस व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन. इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट्स टेक फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो जो बायोलॉजिस्ट का माइंड होता है वो हर वक्त ऑब्जर्विंग माइंड होता है. आप इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि नेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और बाकी जगह पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिनको वो सब डिस्कवर करते हैं और उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उसके बाद उनके पास डाटा आता है. ठीक है, और इसके जो हमारे पास स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो ये स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आती है, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, क्रिएट टेबल्स, ग्राफिक्स एटसेट्रा और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. ठीक है, अब हम इनको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास है कि हम एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं. बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडैप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, वो हम बायोलॉजिकल मेथड के लिए तब जाते हैं एक बायोलॉजिस्ट जब उसको लगता है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स या कोई किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाता है या किसी से पूछा जाता है. ठीक है, तो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह देते हैं जिसका हमारे पास सोल्यूशन. एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, एक बायोलॉजिस्ट से कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसका आंसर उसको पता ना हो तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है जिसको फिर उसको सोल्यूशन लेके आता है वो. ठीक है, या इसी तरह वो जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई डिजीज आ जाती है, न्यू डिजीज आ जाती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता कि ये क्यों फैल रही है, किस वजह से है, ये क्या इसका सोर्स है और ये किस तरह स्टॉप कर सकते हैं हम, तो ये सब कुछ जो है वो हम एक प्रॉब्लम बन जाती है. नेक्स्ट इज हमारे पास ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, एज द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट कॉल हिज और हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक न्यू वंस. ठीक है, या तो हम प्रीवियस अगर उसके उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रीवियस ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है हमारे पास तो हम उसको देखते हैं या बायोलॉजिस्ट अपनी न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं उसके ऊपर. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस बनती कैसे है? विद द फाइव सेंसेस, हम हमारे जो पांच सेंसेस हैं उनसे हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं. हम देखते हैं चीजों को, ऑब्जर्व करते हैं, हम सुनते हैं, हम उनको स्मेल करते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं और हम उनको टच करते हैं.
ऑब्जर्वेशंस या तो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है वो कंसीडर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस, बिकॉज द फॉर्मर्स आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल्स एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, जिसपे क्वांटिटी प्रेजेंट है, नंबर्स प्रेजेंट है, और क्वालिटेटिव ये होते हैं जिसपे क्वालिटी होती है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपको नंबर्स गिवन होते हैं, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, क्यों क्या वजह है इसकी, ये सब कुछ छोड़ के इतना डिग्री, 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता है। अगर उसकी जगह हम कह दें कि बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि हॉट क्या होता है, ठीक है। हॉट हमें क्या पता, हॉट 30 से 40 होता है, 40 से 50 होता है, या कितना होता है, ठीक है। तो क्वालिटी में क्वालिटी बताई जाती है कि आइदर गुड है, बैड है, और जैसा भी है। और क्वांटिटेटिव में जो है वो नंबर्स की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है। देन हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है, उसमें जो हमारे पास आ जाता है जैसे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द कूलिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कोल्डर देन है बॉइलिंग पॉइंट पर। हमें नहीं पता कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। बस हमें ये बात पता चल गया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा कूल है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, ठीक है। 1 लीटर वाटर का और 1 लीटर एथेनॉल का है, तो वाटर का जो 1 लीटर है वो भारी होगा 1 लीटर एथेनॉल से। बट हमें नहीं पता कि वाटर का 1 लीटर कितना होता है और एथेनॉल का 1 लीटर कितना होता है, ठीक है तो दोनों का 1 लीटर ना, तो फिर क्यों भारी है दोनों, दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो अब अगर हम उसकी जगह हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखें, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लीटर ऑफ वाटर का जो वेट है वो 1000 ग्राम्स है, और लीटर ऑफ एथेनॉल का वेट जो है वो 789 ग्राम्स है, ठीक हो गया। तो इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट कि हमें पता चल गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 है और बॉइलिंग 100 है। तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कूलर है देन द बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट वाटर जो है वो 1000 ग्राम्स है और एथेनॉल जो है वो 789 ग्राम्स है। तो अब वाकई हमें पता चल गया कि वाटर जो है वो हैवियर होता है एथेनॉल से। सो नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब तक एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनती, जब तक उनके पास एक क्वेश्चन नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज और हर एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इनटू डेटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रोवाइड टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सही हो गया, जो कि आंसर होता है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब वो फिर जो वो स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर वो उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, ठीक है। एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ ऑब्जर्वेशन की, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, वो एक स्टेटमेंट होती है, बट हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को देख के, ठीक है, हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि पानी जो है वो का फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो ठंडा था एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमने उठा के देखा वेट लिफ्टिंग से कि एथेनॉल लाइटर था, वाटर भारी था, तो उसको देख के हम लोगों ने एक एक ऑब्जर्वेशन बना ली कि वाटर जो है वो हैवियर होता है एथेनॉल से, ठीक है। अब हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, अब हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, और फिर जाके जब हमारे पास कंक्लूजन आएंगे तो हम कहेंगे कि यार जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो ठीक थी के भी नहीं, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास जो हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस है हमारी। इट शुड बी आर जर्नल स्टेटमेंट, ठीक है, वो एक बहुत जर्नल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ठीक है, वो एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि हम, ये नहीं है कि हम उसको कहें कि ये ही ठीक है, वो
वो गलत भी हो सकती है और वो ठीक भी हो सकती है. इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई है वो उनसे एग्री भी करनी चाहिए. ये सब कुछ हम लोग आगे जाके हमारे पास जो मलेरिया के एग्जाम्पल आएंगे उनमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये सब कैसे होता है. इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. ठीक है, जितनी वो सिंपल रह सकती है हमने उसको सिंपल ही रखना है. इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सिबल. ठीक है, वो हम ऐसी होनी चाहिए कि उसको हम टेस्ट भी कर सके और उसको हम कह सकें कि ये गलत है. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis. Biological use reasoning to formulate a hypothesis. ठीक है, biologists reasons को use करते हैं hypothesis को reject करने के लिए. और अगर वो reject नहीं होती तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है वो accept हो गई है. उसके बाद आ जाते हैं deductions. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस. डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, के फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सेप्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट. ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है. तो अगर वो ट्रू है तो उससे क्या क्या रिजल्ट आने चाहिए. जब हम वो रिजल्ट बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं डिडक्शन. ठीक है, if a particular hypothesis is true, then one should accept a deduction at certain result. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर एक hypothesis true है तो जो हमने deduction बनाई है वो भी true होनी चाहिए, उसका जो result आया वो भी ठीक होना चाहिए. सही हो गया. अब हम इसके अंदर if और then involved है. If, अब अगर मैं एक आपको जनरल से example दूं, if I will वर्क हार्ड, ठीक है, अगर मैं मेहनत करूंगा देन आई विल सक्सीड. ठीक है, मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि मुझे मेहनत करनी है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो डिडक्शन होगी कि मैं पास होऊंगा. अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मैं पास भी नहीं होंगी. तो इफ और देन यूज होता है. ठीक है, इफ अगर ये काम होगा देन हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक होगा. तो जो हम रिजल्ट बेस करते हैं तो वो हमारी डिडक्शन होती है. Next is experimentation. The most basic step of biological method is experimentation. Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. ठीक है, basic जो step होता है biological method का वो एक experimentation होता है. हम experiments perform करते हैं ताकि हम देखें कि हमारे hypothesis true है या गलत है. Deductions are which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. ठीक है, जो हम अपने डिडक्शंस और अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं. बायोलॉजिस्ट लर्न विद व्हिच हाइपोथेसिस ट्रू. ठीक है, हम एक हाइपोथेसिस नहीं, एट अ टाइम हम एक दो हाइपोथेसिस बनाते हैं जिनको हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी हमारी जो है वो हाइपोथेसिस ठीक है और कौन सी गलत है. The incorrect hypothesis जो होती है वो reject हो जाती है और जिसके जिसके लिए हमें proofs मिल जाते हैं हम उनको accept कर लेते हैं. An accepted hypothesis make further predictions that provide an important way to test its validity. ठीक है, फिर वो जो accept होती है हमारी hypothesis हम उसके ऊपर further experimentations करते हैं ताकि हम उसको valid कर सकें कि ये वाकई ही जो है वो ठीक है. तो experimentations करना बहुत जरूरी होता है biological method में. नेक्स्ट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. ठीक है, अब हम लोगों ने कर लिया एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिया, अब हम लोगों के जितने भी रिजल्ट आए हमने उनको समराइज करना है. तो बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा हम लोग एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करते हैं. डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली. ठीक है, स्टैट्स और मैथ्स के मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें जिसको हम यूज करके उनकी एवरेज और बाकी सब कुछ निकाल के हम अपने रिजल्ट्स को रिजल्ट्स बनाते हैं. टू ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिकल एनालिसिस. ठीक है, अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं. अगर हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम खुद करते हैं. ठीक है, हम एक प्लांट लेते हैं, हम दो प्लांट्स लेते हैं. ठीक है, एक प्लांट को हमने कंट्रोल रखा है, एक को हम टेस्ट कर रहे हैं. जो कंट्रोल होता है वो आइडियल होता है जिसे हम टेस्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, कंट्रोल को हम सारी उसको हमने न्यूट्रिएंट्स दिए, उसको हमने पानी दिया, उसको हमने सनलाइट दी, सब कुछ दिया, पर टेस्ट जिसको हम टेस्ट करें उसको हम शायद या तो न्यूट्रिएंट्स ना दें
पानी और सनलाइट दे, या हम उसको पानी ना दे, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट दे, ताकि हम उसको टेस्ट कर सके. ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारे हमने खुद डिजाइन किया हुआ, हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, एंड इन seminars at colleges and universities. Publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. अब biologists जो होते हैं, अब हम लोगों की हमारा result आ गया, अब हम लोगों ने दुनिया को भी बताना है कि हमने ये काम किया है, ठीक है, और इसका ये result है, ताकि शायद वो question किसी और के mind में भी हो और उसको भी उसका answer मिल जाए. ठीक है, तो हम अपना जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम पब्लिश करते हैं साइंटिफिक बुक्स और साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं वो, और उनके जैसे बायो के लिए अलहदा, साइंस केमिस्ट्री के लिए अलहदा, बॉटनी के लिए अलहदा, और हर ब्रांच के लिए अलहदा, और हर साइंस की फील्ड के लिए अलहदा जर्नल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टॉक्स होती हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे हम जाके अपने रिजल्ट्स अपनी अपने मतलब अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं. उसके बाद है थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल. फिर उसके बाद हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन to and is not falsified. It increases biological confidence in hypothesis. ठीक है, अब ये है जैसे अब एक hypothesis के मैंने उसको कह दिया कि ये ठीक है. ठीक है, तो उसको बाकी scientist जो है वो भी उसको उसके ऊपर research करते हैं, और उस अगर बार बार research करने से, हर scientist के research करने से वो prove हो जाता है कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है, तो हम कहते हैं कि वो एक थ्योरी बन गई है. ठीक है, अगर जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, थ्योरी जो है वो एक बहुत सॉलिड प्रूफ होता है. जैसे हम कहते हैं कि बहुत सी थ्योरीज हैं, ठीक है, साइंस में, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. उसके बाद the hypothesis that stands the test of time, often tested and never rejected are called theories. ठीक है, कि वो हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट करने पे भी रिजेक्ट ना हो, हम उसको थ्योरी कहते हैं. ठीक है, एक ग्रेट डील एविडेंस है कि हमारे पास कि ये चीज कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती. उसके बाद हम कहते हैं कि अब लॉ क्या होता है, प्रेडिक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टेड गोइंग ऑन. ठीक है, अब जो एक प्रेडिक्टिव थ्योरी है वो हमें जो हमारे हाइपोथेसिस है, हमें उससे जो हमारी थ्योरी होगी है, ठीक है, वो हमारी पहले हाइपोथेसिस ही थी, उससे हमारे पास न्यू हाइपोथेसिस जनरेट होती रहती है, वो टेस्ट होती है, उनके ऊपर और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं. ठीक है, अब इफ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटेबल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटेशनल एविडेंस, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल. ठीक है, लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज होती है. साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी. एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल आर हेनरी हार्डी-वेनबर लॉ एंड मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. अब लॉज जो है वो बहुत कम है साइंस में. इसका रीजन क्या है कि नेचर के बारे में कोई इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और नेचर बार बार चेंज होती रहती है. ठीक है, तो थ्योरीज अगर तो थ्योरीज को बार बार टेस्ट करने पर भी थ्योरी को रिजेक्ट ना किया जा सके, तो वो एक लॉ या एक प्रिंसिपल बन जाता है. फिर उस लॉ या प्रिंसिपल को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता. ठीक हो गया, इसीलिए साइंस में बहुत ही कम लॉज है. मतलब बेसिकली बायो में बहुत कम लॉज है. वैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लॉज है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जमीन जो है वो ग्रेविटी है, उसमें जो हम अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं. ठीक है, तो इस लॉ को आप कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता. इसी तरह और भी बहुत से लॉज हैं, न्यूटन लॉज है. उसके बाद अगर बायो की एग्जांपल ले तो उसमें हार्डी-वेनबर लॉ है और मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक हो गया, तो दिस इज द बायोलॉजिकल मेथड.
होप यू विल लाइक इट। एंड इसमें से जो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आप लोगों को जो है वो बहुत से आ सकते हैं। इन इसमें जो है वो आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, थ्योरी और लॉ की का डिफरेंस और बाकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड के नेम्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में आ सकते हैं, और हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसमें हम हाइपोथेसिस वाला आप लिख सकते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो टॉपिक है वो आप लोग याद करें। सो थैंक यू।